कल हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। तो इस जो हमारा सूत्र डेरिवेशन हुआ है, उस डेरिवेशन सूत्र से हमारे बहुत सारे सवाल हल होने हैं। तो उसी में आपको ये सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 600 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, टी हमें दे रखा है 5 मिनट, टी कितना दे रखा है 5 मिनट दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है 600 कूलम, क्यू कितना दे रखा है 600 कूलम दे रखा है, और आई हमें याद करनी है। क्योंकि मिनट होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 5 में कितने हो जाएंगे, 5 × 60 बराबर 300 सेकंड हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q कितना दे रखा है 600 और T कितना आया हमारा 300, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आवेश का मान क्या होगा, आवेश क्या होगा। तो इसमें टी कितना दे रखा है 5 मिनट, टी कितना दे रखा है 5 मिनट, मतलब 5 × 60 बराबर 300 सेकंड, और आई कितनी दे रखी है हमको 0.2 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, हमें निकालना क्या है क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। तो क्यू बराबर आई का मान कितना है 0.2 एम्पियर और टी कितना है हमारा कितना है 300 सेकंड। तो 3 × 6 600 हो गया, पाई टटा देंगे तो कितना आ गया 60 कूलम। तो कितना मान आएगा 60 कूलम आवेश। तो ये सवाल हमें इस तरह से हल करने हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब धारा, तो विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं और इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये हमारे घरों में प्रयुक्त की जाती है, और जो दिष्ट धारा होती है, बैटरी है, चार्जर है, जितने भी ये होती है उनमें ये दिष्ट धारा प्रयुक्त की जाती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, मतलब ऊर्जा की ज़्यादा हानि नहीं होती है, और दिष्ट धारा होती है उसमें ऊर्जा की हानि ज़्यादा होती है। अगर मान लो घरों में प्रत्यावर्ती धारा की जगह दिष्ट धारा उपयुक्त की जाती तो क्या होता, क्या होता, जो दिष्ट धारा है ये हमारे घर तक, हमारी लाइन तक आते आते क्या हो जाती, खत्म हो जाती, हमारे यहाँ तक आते आते क्या हो जाती, खत्म हो जाती। इसलिए घरों में दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं होकर किसका होता है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से दो धाराएं होती हैं जिनमें प्रत्यावर्ती धारा होती है और दिष्ट धारा होती है। अगला तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश, जैसा कि हम जानते हैं आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो किसी एकांक धनावेश को, किसी आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब होता है कोई इसका स्थान नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है, कहीं से भी हम ला सकते हैं। तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उससे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव को वोल्ट से लिखते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, किया गया कार्य क्या होता है डब्लू होता है, और कूलम इसको हम क्यू से लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसको वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, क्या हो गया, वोल्ट हो गया। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया,
परिभाषा। उससे पहले है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उससे पहले आता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किसे ए
क्यू। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो बी को हम वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, कार को जूल से और इसको कूलाम से करते हैं, तो वोल्ट बराबर जूल बटा कूलाम इसका मात्रक होगा। इसके बाद है वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर, कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं और एमीटर किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं और इसे हमेशा पाश क्रम में लगाया जाता है। एमीटर किसे कहते हैं, वह युक्ति जिसमें हमेशा धारा का मान मापा जाता है, जिससे धारा का मान मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।